MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिदरा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का मियांवाली और तांग के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा मंसूख। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से मियांवाली से वापस लौट गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के सिलसिले में पहले मियांवाली और फिर तांग जाना था। शहबाज शरीफ ने तांग में तामीर शुदा 100 घरों का इफ्तिताह करना था। सैलाब की तबाहकारियां, मजीद 37 अमवात, कई मुकामात पर तहाल पानी जमा, मुतासरीन परेशान। NDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 32, बलोचिस्तान में 5 अफराद जहां बहक हुए। बारिश और सैलाब से सिंध में सबसे ज्यादा 678 अमवात रिकॉर्ड हुए। दौरा उज़्बेकिस्तान कामयाब रहा, इमरान आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना चाहता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि इमरान खान ने एक ही रट लगा रखी है कि मेरा इक्तदार वापस करो, इससे बढ़कर और क्या खुदगर्जी हो सकती है कि आर्मी मालियाती इदारे से कहा जाए रकम न दो। उन्होंने कहा हम तमाम जमातों से बात करने को तैयार हैं क्योंकि मुतनाज़ा बातों से इदारे और मुल्क का एहतराम मजरूह होता है। आउट ऑफ कंट्रोल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आटा नायाब शहरी ख्वार। मुल्क में आटे की कीमत 130 रुपए किलो तक पहुंच गई। कराची में आटा मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा, 1 किलो की कीमत 125 से 130 रुपए हो गई। गजाई अजनास की किल्लत, NFRCC का फास्ट ट्रैक पर टमाटर प्याज के इंपोर्ट का हुक्म। डेप्टी चेयरमैन की जेर सदारत नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास हुआ। इजलास में फूड सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। फोरम ने सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में आवाम के खाने पीने और जरूरी गजाई अजनास की तरसील के सिलसिले में अहम फैसले करते हुए गजाई अजनास खुसूसन टमाटर और प्याज को फास्ट ट्रैक पर मंगवाने के इकदाम की हिदायत। राणा शमीम अपने बयान हल्फी से मुनहरिफ, एक बार फिर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। राणा शमीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नया गैर मशरूत माफीनामा दाखिल करा दिया। राणा शमीम ने नए माफीनामे में बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। वाज़े रहे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बयान हल्फी की अशात पर राणा शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर रखा है। मुल्क भर में शहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चहलम शहदाए करबला पर जुलूस निकाले गए। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलीफ शाह से बरामद हुआ जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह में खत्म पसीर हुआ। हजरत सैयद अली हजवेरी के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज, मज़ारे अक़दस पर मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों का रश। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, लाहौर में आज आम ताखीर। कोटरी अलमदीना चौक पर CMO MC कोटरी और बुल्हाड़ी इमरान खान घबराव के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मीडिया को बयान दिया कि सफाई के हवाले से कोटरी शहर और साइड के हालात बदतरीन हो गए। हर तरफ गंदा पानी और कचरा है जिसके बायस मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। जो है रफ्तार तेज रफ्तार से हमारा ही मुतालबा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जामशेरा से तालका कोटरी से राशि और सफारशी और बेईमान नायल अफसरान को निकाला जाए। बचपन का आड़ी असा पाण अकीत में जवानी ताई कदे बे न कोटरी शहर जी हड़ी हालत न थी थी ता जिते बणो बागादा गड़ो किते बीठल आए आवा परेशान लगी हुई है गरीब मानु। अफसोस की बात है ये बड़े बेशरम और बे कयास आदमी है। अभी मुसलसल 15 दिन से ये सारा शहर गंदगी ढेर बना हुआ है।
जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के शाइन बिजनेस ग्रुप की जानिब से वोटर्स और स्पोर्टर्स के एजाज में मुकामी होटल में इशाइया दिया गया। इशाइया में वोटर्स और स्पोर्टर्स ने बड़ी तादाद में और उम्मीद है कि हमारा जो शाइन बिजनेस ग्रुप है इंशाल्लाह बारीक सी से कामयाब होगा और बिजनेस कम्युनिटी के लिए नौजवान क्या मुसद्दक लियास के यानी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है जो बिजनेस मैन है उनके मसाइल हल करने के लिए एक फोम होता है। हम चाहते हैं कि जो जेन्युइन कारोबारी लोग हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए और हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करें। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लोधरा में खान सुल्तान शेरानी की बिजली के इजाफी बिल, रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से नुमाइंदा MM5 न्यूज मलिक मोहम्मद अरशद से खुसूसी गुफ्तगु। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा MM5 न्यूज मलिक मोहम्मद अरशद से। जी मलिक मोहम्मद अरशद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त लोधरा में। यहाँ पे जो है आए रोज बढ़ती हुई महंगाई और जो है बिजली के इजाफी बिलों की जो टैक्स आ रहे हैं इसके खिलाफ हमारे साथ खान सुल्तान शेरानी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि इस मुश्किलात में जो है ना गरीब आवाम जो है ना किस कदर मुश्किलात से दो चार अपनी ज़िंदगी गुजारे, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी मैं MM5 न्यूज़ को खुश आमदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया। ये आए रोज़ महंगाई उस वक्त तक कंट्रोल में नहीं आ सकते जहाँ तक हम एक खुद मुख्तियार कौम न बने और हमारे फैसले हमारे हाथ में नहीं होंगे और हमारे बड़े यानी आप खुद देखो कि हमारे यहाँ एक यानी डेमोक्रेट कितना खर्चा एक अपने ऊपर कर रहे हैं। ये हम इस जंगल यानी इस दंगल से नहीं निकल सकते जब तक हमारे यहाँ करप्शन ख़त्म ना हो और हम अपने खुद मुख्तारी के न सोच ले, उस टाइम तक हम इस दंगल और इस मुश्किल से गड़ी से नहीं निकल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है जब हम इनसे काम लें, लेकिन हम काम नहीं लेते। जो भी आते हैं वो इसमें करप्शन करके अपने आप को सरमाएदार मालदार बना के फिर यहाँ पाकिस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। हम आप ये समझ लें कि हमारा जो भी वज़ीर आज़म आते हैं, सदर आते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं, चाहे जो भी है, वो यहाँ उसका टाइम पूरा हो के यहाँ से बाकी लंदन और दुबई में अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उसके बच्चे जो है ना बाहर पढ़ के फिर जो है ना हमारे ऊपर IMF के ज़रिए या बैनुल-अक़वामी जो जनरल कौंसल है उसके ज़रिए हम पर मुसल्लत हो जाते हैं। ना हमें अपने राय की आज़ादी है और ना हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है। सऊदी अरब में मारूफ अदीबों और शायरों पर मुश्तमिल तखय्युल अरबी फोरम के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान, बहरीन, भारत और सऊदी अरब के शायरों समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ शायरा डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल और इकबाल कमर ने कहा, तैयार गैर में अपनी तहजीब व सकाफत और इकतदार के अहिया में और उर्दू जबान की तरवीज के लिए तखय्युल अरबी फोरम की काविशें काबिल तारीफ। मैं इस वक्त तखय्युल के सालाना मुशायरे के फोरम पर मौजूद हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ लोग जो हैं फरोग अदब के लिए बहुत उर्दू अदब के खसूसी उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगन और तंदही से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और खसूसी तौर पर ये अदारा बेशक काफ़ी देर में वजूद में आया है लेकिन इसका काम जो है ये बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत तेज़ी से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। फोरम अदब की खिदमत के लिए गैर में अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। इन कोशिशों में थोड़ा सा तातुल कोरोना की वजह से आया था और आज का जो मुशायरा है ये थोड़े से तातुल के बाद जो है दोबारा अरेंज हुआ है। तखय्युल अदबी फोरम जो है दायरे गैर में हमारा मकसद जो है उर्दू अदब और उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की हमारा मतमा नज़र है और उसी मकसद को जैर नज़र रखते हुए हम लोग मुशायरों का अहतमाम करते हैं, बच्चों की मजमून नवीसी और मजमून निगारी में मुकाबलों का अहतमाम करते हैं। कि उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए मुशायरों का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ आबिश मुचान, MM5 न्यूज़, अर्रियाद, सऊदी अरब। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5 TV.com।
MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।